तमाम बेहतर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले साथियों को नमस्कार। ये है सुमन जिसने अपने जेठ जैकन के साथ अपने पति की हत्या करवा दी थी। इसको कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेके जा रही है और रात को ये सुमन अपने जैकरण के लिए तड़पती दिखाई दे रही थी। ये सामने जो जैकरण आपको दिखाई दे रहा है एक पुलिस मुलाजिम के पीछे जो इसने मास्क लगा रखा है, और ये पुलिस को बार बार ये कहती नज़र आई कि मुझे जैकरण से मिलवाओ, मुझे जैकरण से मिलवाओ। अब हम बात करते हैं SHO नाथसरी चोपटा सत्यवान सिंह जी हैं उनसे कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है और सुमन से उनको और क्या क्या जानकारी हासिल हुई है। तो चलो चलते हैं बात करते हैं। हमने आज सुबह ही जो मृतक सत्यवीर था उसकी पत्नी सुमन को आज इसको गिरफ्तार किया, उससे हमने पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान हमारे सामने ये आया है कि वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था सत्यवीर का, उसके बाद से लेकर के ये जैकन से जुड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को मतलब अच्छी तरह चाहने लग गए और इसी दौरान भी उनका जो है प्यार और बढ़ गया। फिर इन्होंने इसको बाधा बनता देख के सतवीर को और इन्होंने ये ठान लिया भी इसको सतवीर को हम ठिकाने बताया। सतवीर को पहले इनके रिलेशन का पता था? हाँ, उसको भी ये जाहिर हो चुका था कि जयकरण और सुमन के आपस में संबंध नहीं। अब ये हादसा होने से पहले इनके बीच में कोई सुमन और सतवीर के बीच में बात हुई? हाँ, इसने बताया भी एक दो बार हमारी इस विषय में हमारे दोनों का झगड़ा भी हुआ था। उसने ये बताया कि वो जयकरण से मिलने के लिए मना भी करता था और 20 तारीख को ये भी सामने आया कि इसने जयकरण को कहा भी इसको आज अपना काम कर दो आज इसका घटना के दिन ही। उसकी जो सूचना है वो मरने के बाद कोई फोन पे बात हुई हो, कोई क्या कुछ हुआ था? जब सतवीर का हत्या हो चुकी थी उसके बाद में जयकरण ने इसको बतलाया है कि मैंने जो है सतवीर को मौत के घाट उतार दिया है और हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। वो सर जिससे फ़ोन पे बात हुई वो फ़ोन आपने बरामद? हाँ, वो फ़ोन दोनों बरामद कर लिए हैं, सुमन से भी ले लिया है और अभी ये जो जयकरण का मोबाइल है वो हमने बरामद करना है, जिसके बारे में आज हमने रिमांड लेना है। सुमन और जयकरण के आपकी जो सामाजिक रिश्ते वो क्या है? वो सुमन जो जयकरण है वो सुमन के रिश्ते में जेठ लगता है। आना जाना पहले लंबे समय से? हाँ, वह पारिवारिक होने की वजह से भी और फिर जब सतवीर का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में इनका और ज़्यादा हो गया। ये वो रहने ही वही लग गया था, रात को वही सोता था, सुमन के पास ही सोता था वहाँ घर में। सुमन ने जब आपने गिरफ्तार किया क्या कुछ एक्टिविटी थी उससे, किस तरह का कोई विरोध उसने कुछ बोला हो कि नहीं? उन्होंने हमने जब उसको गिरफ्तार किया था तो बस मुझे पूछताछ की थी, उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया भाई ठीक है जी मैंने इसको कहा था भाई आप इस पास तमाम कर दो काम इसका, तो उस दिन के शाम को घटना वो अंजाम दे दिया। सुमन ने बताया था कि उसके जो जैकरण को भी बांध आ रहा है कैसे? हाँ, उसने सुमन ने जैकरण को उस दिन सारे दिन की जो लोकेशन थी वो देती रही उसको कि पहले वो मंडी घर गया हुआ था, उसके आने के बाद में उसको इन्फॉर्म किया अभी अब घर पर आ गया है और फिर जब वो खेत में गया तब कहा भी वो खेत के लिए चल पड़ा है यहाँ से, तो सारी जो जानकारियाँ वो है वो सुमन ने उसको जयकरण को देती रही। अब आगे पेश अभी एक तो जो आरोपी है जयकरण, इसने जो वारदात में जिस टीम कपड़े पहने हुए थे ये बता रहा है उस पर खून लगा हुआ है और कसी है जिसे हत्या की है वो अभी बरामद की जा रही है, जिसके लिए हमने रिमांड लिया।